राम राम भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल पे स्वागत है। और आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, भाई आशीष भालोट टीम से हैं भोलू, इनका इंटरव्यू लेंगे। जो भी वॉलीबॉल शूटिंग में इन्होंने खेला है, एक्सपीरियंस रहा है, वो सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आशीष भाई आपका स्वागत है YouTube चैनल पे, और अभी आपसे जानेंगे गेम के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, और भाइयों को बताएंगे जो भी है। भाई सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई। आशीष भाई, शूटिंग गेम में आपकी शुरुआत कब से हुई और अपने गेम और आपने कोई और गेम खेला है अपने जीवन में या अभी भी खेल रहे हैं शूटिंग वॉलीबॉल से अलावा? भाई मेरी शुरुआत 2016 इस तरह में हुई थी। मैं गांव में ही खेलता था भाई। अच्छा, मैंने इसके अलावा और कोई गेम नहीं खेला। सुबह शाम में ओनली एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अच्छा, ये गेम ही करता हूँ। अच्छा, 2016 से अपने शुरुआत की शूटिंग वॉलीबॉल खेलना। हाँ, थोड़ा तो बहुत पहलवानी की थी शुरुआत में। अच्छा, पहलवानी करते थे। हाँ ठीक है। तो टूर्नामेंट भी खेलने जाते थे अपनी गांव की टीम में ही या फिर गांव में ही खेलते थे प्रैक्टिस मैच या फिर ऐसे? भाई शुरुआत में 2015 या गांव में हाथ मारने लग गए थे। अच्छा, 2015-16 के करीब। अच्छा, तो वहाँ जीता भाई, बाहर लेके जाने लग गया था 2017 में। अच्छा, तो जब से टूर्नामेंट कंटिन्यू खेल रहे हैं। अच्छा, उस समय आपने मतलब थर्ड बॉल अंडर हैंड का ही खेलना स्टार्ट किया था या फिर ड्रॉपिंग के टूर्नामेंट होते थे काफ़ी पहले तो वो खेलते थे या फिर प्योर शूटिंग खेलते थे? भाई शुरुआत ड्रॉपिंग से की थी। अच्छा, ड्रॉपिंग के मैच खेलते थे, शूटिंग वाली बॉल खेलते थे। ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं भाई से, आपके फेवरेट प्लेयर जो अभी फिलहाल में हैं वो कौन कौन है, प्लीज शेयर करें सभी भाई से। भाई मेरे फेवरेट खिलाड़ी जीता बालोट और अंकित कुथरेड़ी है। अच्छा, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं भाई, अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और आगामी टूर्नामेंटों में भी हमारा जो है उनका शुभकामनाएं है। सभी दोनों प्लेयरों से अच्छे प्लेयर हैं। और आपके गुरुजी रहे हैं कोई जिससे आपने मतलब इस गेम में कुछ सीखा हो? हाँ भाई, जीता भाई, उन्होंने शुरुआत करवाई थी, आज भी उन्हीं से सीख रहे हैं भाई। तो जीता भालोट हैं जो उनके आशीष भाई के मतलब गुरुजी कह सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा इस गेम में भाई ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको कौन से स्टेट का गेम पसंद है? जैसे पंजाब में आप देखते ही हैं थोड़ा नेट है जो हाइट है वो नीचे रहती है और थर्ड बॉल अंडर हैंड मतलब फास्ट चलता गेम, और राजस्थान में थोड़ा हाइट ज़्यादा रहती है, 8 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही रहती है मैक्सिमम टूर्नामेंट में, और हरियाणा में 7-8 या 7-9 के करीब रहती है हाइट। तो आपको कौन सा मतलब स्टेट का गेम जो है थर्ड बॉल अंडर हैंड का कौन सा अच्छा लगता है? भाई मुझे तो हरियाणा का गेम अच्छा लगता है भाई। अच्छा, मैं क्योंकि हरियाणा में रहता हूँ, मुझे तो हरियाणा में अच्छा लगता है खेलने। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई आशीष, आपकी दिनचर्या क्या है, मतलब रोजाना सुबह शाम की कैसे किस तरह प्रैक्टिस करते हो और क्या एक्सरसाइज वगैरह जो भी है आप एक बार बताएं प्लीज सभी भाई। भाई सुबह मैं डेली ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ, रेस वगैरह मारता हूँ। अच्छा, शाम को मैं गेम खेलता हूँ, दिन में पढ़ाई करता हूँ भाई मैं। अच्छा, मतलब ये जो प्रैक्टिस करते हो आप डेली करते हो ये? हाँ, 1.5-2 घंटा डेली शाम को प्रैक्टिस करते हैं गेम की। अच्छा, सुबह रीस वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, जो प्रैक्टिस करते हो ग्राउंड पे सीरियस होके करते हैं सभी खिलाड़ी या फिर ऐसे ही मजाक में चलता रहता है? भाई तकरीबन तो मजाक में चलता रहता गाँव में। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे कि सीरियसली 2 भाई साहब 1 घंटा खेल लिए बस। अच्छा, चलो अच्छी बात है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यंग प्लेयरों से जो मतलब जिन्होंने खेलना स्टार्ट किया है ये शूटिंग वॉलीबॉल और जो खेलने के इच्छुक हैं मतलब इन फ्यूचर इस गेम में आना चाहते हैं, उन प्लेयरों को आपका क्या कहना है भाई? भाई इस खेल में कोई स्कोप वगैरह नहीं है, पहले अपने घर परिवार को देख के उसके बाद बोलिए भाई, पहले सेटलमेंट करो अपनी। अच्छा, उसके पीछे बोलिए। अच्छा, आशीष भाई का कहना है कि इस ये जो गेम है शूटिंग वॉलीबॉल ये ना तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ना ही इसमें कोई स्कोप है, ना ही पढ़ाई में कोई बेनिफिट है, ना ही जॉब में बेनिफिट है,
तो कोई अदर्स गेम है जैसे जो वैलिड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उसमें आप इंटरेस्ट लें और उसमें कामयाब हों। जो यंग प्लेयर हैं उनके लिए कहना है भाई आशीष का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई से। हाँ, इस गेम को बढ़ावा देने के लिए शूटिंग बॉल अंडर हैंड का, जो थर्ड बॉल अंडर हैंड का गेम है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? भाई हमें सभी जितने भी भारत में सभी लोग जो वॉली खेलते हैं भाई, उनको इकट्ठा होकर के एक रूल बनाना चाहिए अच्छा, जिसमें वॉलीबॉल को बढ़ावा मिल सके। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो इसके नियम हैं शूटिंग बॉल थर्ड बॉल अंडर हैंड के, वो सभी समान हो जाएं? हाँ, एक ऑल इंडिया में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, अच्छा, सभी में एक समान हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात कही है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, टूर्नामेंट में 6 प्लेयर प्लेइंग ठीक रहते हैं या फिर 7 प्लेयर प्लेइंग ठीक रहते हैं आपके जरिए से, भाई, नजरिए से? मेरे जरिए से 7 प्लेयर अच्छे रहते हैं, क्योंकि अच्छा, भाई जो 6 प्लेयर खेलेंगे तो उसमें एक प्लेयर रह जाता है भाई। अच्छा, अगर 7 खेलेंगे तो एक प्लेयर को और एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, जैसे अच्छा, 50 टीम भाई, 50 प्लेयर को मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ 6 प्लेयर जैसे खेलते हैं तो गेम फास्ट होता है या फिर वैसा ही चलता है जैसे 7 प्लेयरों में चलता है? भाई 6 में वही पता, गेम तो फास्ट तो चलेगा ही भाई। अच्छा, गैप मिलेगा गैप बॉल मिलेगा, मारने बॉल का मिलेगा। और बॉल गिराने का भी, जैसे ड्रॉप वगैरह, थर्ड बॉल। हाँ भाई, ओके ओके, 7 प्लेयर ठीक रहते हैं आपके हिसाब से, कंफर्टेबल रहते हैं? हाँ जी, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई से, आपका जो टूर्नामेंट आयोजक करता है, कमेटी होती है जो टूर्नामेंट कराते हैं, खिलाड़ी होते हैं मोस्टली, उनसे क्या कहना है ताकि अच्छे टूर्नामेंट हो सकें, फेयर टूर्नामेंट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टीम सम्मिलित हो सकें टूर्नामेंट में, उन सभी भाइयों से क्या कहना है आपका? भाई मेरा तो यही कहना है भाई, टूर्नामेंट टाइम से शुरू करवाए ताकि टाइम से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, टूर्नामेंट की समाप्ति टाइम से हो जाए भाई, अगला दिन बरान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात कही। और एक और क्वेश्चन है भाई मेरा, जैसे ये आप देखते ही हैं पंजाब में, राजस्थान में, इधर यमुनानगर, यूपी में, ये तो थर्ड बॉल अंडर हैंड है। हमारे यहाँ हरियाणा में तो ज़्यादातर टूर्नामेंट में थर्ड बॉल अंडर हैंड ही क्रॉस करते हैं, बट पंजाब में कई टूर्नामेंटों में टोचन भी होता है, टोचन भी होता है, और यमुनानगर साइड में भी टोचन होता है, तो ये मतलब अलग अलग है, तो ये टोचन आपके हिसाब से सही है या फिर ये जो नियम है इसको ख़त्म हो जाना, मतलब करना चाहिए? भाई इसको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, मतलब मोस्टली टूर्नामेंट तो जो होते हैं वो थर्ड बॉल अंडर हैंड के ही होते हैं, हाँ। बट ये टोचन का कभी पंजाब में हो जाता है टूर्नामेंट, तो इसको भाई आपके हिसाब से क्या भाई नजरिया? प्लेयर बहुत मेहनत करके करनी है, बॉल मारता है, हाँ, उससे भाई वो नेट बना देता है, उल्टे आई उस पर मार देते हैं सिंगल हैंड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और का था, थर्ड बॉल अंडर हैंड का था, बस ठीक है, ये हो गया। तो भाई ये जो हम मैच डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, इसको देखने से क्या कुछ खिलाड़ी पे मतलब गेम में इम्प्रूवमेंट होती है या फिर क्या आपका नज़रिया? हाँ भाई, है इससे ये है कि मैच पीछे देखने से तो भाई वो तो इम्प्रूवमेंट तो अपने आप पे होएगी। अच्छा, तो भाई उसमें जो गलतियाँ वो नारी दिख जाएंगी। अच्छा, जो हम हम मतलब जो जैसे ग्राउंड लूज रह जाते लूज रह हैं जाते हैं टूर्नामेंट में, तो तो जो भी कमी हो उसको दूर करने का मौका भाई वीडियो बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वीडियो के जरिए आप सभी व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, ऑल अंडर हैंड वॉलीबॉल चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें भाई। ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल, दोबारा बोलो। ऑल इंडिया वॉलीबॉल अंडर हैंड चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने अब कीमती समय निकाला और ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप भविष्य में अच्छा खेलें, अपनी टीम को जीत दिलाते रहें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद है भाई, और आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई आपका भी धन्यवाद है, जो भाई साहब आपने टाइम निकाले मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए भी धन्यवाद। तो सभी भाइयों को धन्यवाद, जो नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें और खेल से संबंधित सभी वीडियो
चैनल पे आपको आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, राम राम सभी भाई, राम राम भाई, ठीक है।